सभी को गुड इवनिंग एग्रीमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है आज का अपना एक प्लांट पैथोलॉजी का सेशन है जिसमें कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको अपने डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको कोई डाउट हो तो आप भेजीजिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अभी आज का सेशन जो है सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन है आए हुए हैं और आपको कितना उसके बारे में पता है फर्स्ट <coughs> क्वेश्चन है शुगर कैन रेटून स्टंट डिजीज इज कॉज बाई कैन के अंदर रेटून स्टंटिंग डिजीज होती है स्टंटिंग मतलब ड्वार्फिंग स्टंटिंग मतलब ड्वार्फिंग और रेटून क्रॉप जो होती है शुगर कैन के अंदर उसके अंदर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो शुगर कैन रेटोन स्टंटिंग डिजीज फाइटोप्लाज्मा होता है वायरोइड होता है क्लेविबैक्टर जाइली और वायरस इसका सीधा सीधा ऑप्शन देखो वायरोइड की डिजीज नहीं है ये ठीक है वायरस भी नहीं है सुगर कैन के वायरस में आता है तो मोज एक डिजीज आती है फाइटोप्लाज्मा और क्लेविबैक्टर फाइटोप्लाज्मा और क्लेविबैक्टर दो इसके अंदर ऑप्शन बचते हैं अपने पास क्लेवेक्टर और फाइटोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा जो डिजीज होती है वो क्या है ग्रासी सूट डिजीज ठीक है या फिर फ्लोरल पार्ट के ऊपर या माल फॉर्म जैसे स्ट्रक्चर डेवलप करता है फाइटोप्लाज्मा जो होता है वो माल फॉर्म माल फॉर्मेशन जैसे सिम्टम्स डेवलप करता है तो फाइटोप्लाज्मा का ये सिम्टम है ही नहीं तो पीछे ऑप्शन बचता है वो बचता है क्लेवेक्टर जाइली क्लेवबेक्टर जाइली है क्या फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं ठीक है फास्टिडियस बैक्टीरिया बैक्टीरिया मींस जिनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और लिमिटिंग जो साइट uh, होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं जैसे जाइलम इनिबेटिंग और फ्लोएम इनिबेटिंग कोई जाइलम के अंदर ही रहने वाले होते हैं कोई फ्लोएम के अंदर तो जाइलम इनिबीटिंग बैक्टीरिया और फ्लोएम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया तो उसी की कैटेगरी आती है फर्स्ट ईडीएस बैक्टीरिया ये डिफिकल्ट होते हैं इनको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट होता है और ये लिमिटिंग साइट में या पर्टिकुलर पार्ट्स पे पाए जाते हैं इसलिए इसको फर्स्ट ईडीएस बैक्टीरिया बोलते हैं और फर्स्ट ईडीएस बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता क्लेइबैक्टर तो क्लेबैक्टर जाइली जाइली मतलब जाइलम से जाइलम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया क्या होता है ये जाइलम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया तो शुगर कैन का क्या हो जाएगा क्लेवैक्टर जाइली ब्लॉटर टेस्ट इज यूज इन ब्लॉटर टेस्ट क्या है किस में यूज किया जाता है ब्लॉटर टेस्ट सीड हेल्थ टेस्टिंग है सीड वाइबिलिटी है सीड प्योरिटी है और सीड रेट है सीड रेट तो है ही नहीं ये तो पता ही होगा आपको सीड रेट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है बनता इसके अंदर ठीक है तो इसके अंदर एक चीज देखो कि वाइबिलिटी का टेस्ट पढ़ते हो टेट्राजोलियम टेस्ट और वो आते हैं ठीक है प्योरिटी टेस्ट ब्लॉटर टेस्ट में होता क्या है फिर आप आइडिया लगाना ब्लॉटर टेस्ट में क्या है कि कोई भी एक ब्लोटर पेपर लेते हैं और उस ब्लोटर पेपर को मोस्ट कर देते हैं थोड़ा सा पानी से भिगो दिया फिर उसके बाद में इस पर क्या डालते हैं सीड डाल दिए ठीक है सीड डाल दिए सीड नमी पकड़ेगा और उसके ऊपर ग्रोथ का करेक्टर रहेगा कुछ भी है ठीक है जैसे मान लो ये सीड जो है इन्फेक्टेड था कोई फंगस से ठीक है कोई फंगस का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ठीक है मेनली फंगस के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होता है ठीक है तो फंगस जो होगी मॉइस्चर होगा सीड के अंदर का जो न्यूट्रिशन होगा वो सोल्यूबलाइज फॉर्म उसको सोल्यूबलाइज करेगा और उसके बाद में न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करेगा तो फंगस क्या करेगी इसके ऊपर ग्रोथ करने लग जाएगी फंगस या कोई भी बैक्टीरिया जो होगा उसकी ग्रोथ आने लग जाएगी इस पर ठीक है तो जैसे इसकी ग्रोथ आएगी तो ग्रोथ आने की वजह से ये वैसे नेकडाई से तो नहीं दिखते फिर इस पर क्या करते हैं इस ब्लोटर को अपने रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे अब माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो माइक्रोस्कोप से इसको जब एग्जामिन करेंगे तो सीड के चारों ओर थोड़ी बहुत अगर फंगस की ग्रोथ आती है तो वो सीड क्या कहलाएगा इन्फेक्टेड सीड क्या कहलाएगा इन्फेक्टेड सीड इन्फेक्टेड सीड है मतलब अनहेल्दी है इन्फेक्टेड है मतलब अनहेल्दी है और अनहेल्दी है तो मतलब ये सीड का जो टेस्ट है ये किससे रिलेटेड हो गया सीड की हेल्थ से रिलेटेड किससे हो गया सीड की हेल्थ से तो सीड हेल्थ टेस्टिंग के लिए क्या किया जाता है ब्लोटर टेस्ट जिसमें एक ब्लोटर पेपर लेके उसके ऊपर सीड को थोड़ी सी नमी डाल पैदा करके ब्लोटर पे और उस पे सीड को रखा जाता है उस पे माइक्रोबियल ग्रोथ दिख जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इंटरनली सीड बोन फंगल डिजीज बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया इसमें जहाँ तक मुझे पता है आपको किसी को दिक्कत नहीं है स्मट ऑफ रागी रेड रोट ऑफ सुगर कैन लूज स्मट ऑफ वीट ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार अगर कुछ भी दिया हो अगर ऑप्शन में आपको लूज स्मट दिया है ना तो कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है लूज स्मट जो है इंटरनली सीड बोन के नाम से जानी जाती है रेड रोट है तो सीड बोन ठीक है लेकिन इसको सेट बोन बोलेंगे क्या ये सेट बोन शुगर कैन में क्या होते हैं सेट होते हैं स्मट ऑफ रागी परमिलेट की जो स्मट होती है वो लगभग जो होती है सोइल बोन की कैटेगरी में आ जाती है ठीक है ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार ये भी नहीं है तो लूज स्मट जो होगा इंटरनली सीड बोन होगा ये बाकी एक्सटर्नली और सोइल बोन की कैटेगरी में आते हैं एग्जाम्पल ऑफ सोइल फ्यूमिगेंट देखो फ्यूमिगेंट का क्वेश्चन आता है फ्यूमिगेंट so में आपको प्रॉपर्टी देखनी है केमिकल की ठीक है फ्यूमिगेंट में आपको इसके अंदर क्या कैटेगरी देखनी है कि कौन सा केमिकल है जो वेपराइज हो सकता है ठीक है है नहीं होता थायरम क्या है कार्बामेट ग्रुप का है थायरम क्या है कार्बामेट ग्रुप है कार्बामेट मतलब ऑर्गेनिक सल्फर और सल्फर जहां तक मुझे पता है ये वोलेटाइल कंपाउंड है ही नहीं सल्फर ठीक है बाविस्टीन बाविस्टीन जिसको कार्बेंडाजिम बोलते हैं ठीक है कार्बेंडाजिम ये भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है विटावेक्स कार्बोक्सिन फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड जिसको बोलते हैं क्या ये कार्बोक्सिन फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड जिसको खोजा गया था वो सेलमिंग एंड कुल्का किसने खोजा था सेलमिंग एंड कुल्का <coughs> सेलमिंग एंड कुल्का तो बच गया क्या मिथाइल और ब्रोमाइड ब्रोमाइड मतलब लिक्विड फॉर्म या ब्रोमीन गैस गैस इस फॉर्म में बदल जाता है तो इसलिए मिथाइल ब्रोमाइड जो होगा वो क्या होगा फ्यूमिगेंट होगा ठीक है वेरी गुड कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं आपको पता होगा आप ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है हो सकता है आपने एग्जाम भी अटेम्प्ट किया हो किसी को तो उसमें देखा भी हो क्वेश्चन ये ठीक है चलिए इनमें कोई अदर फैक्ट है वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं आपको ठीक है ब्लास्ट ऑफ राइस इज कोर्ड भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है इतना तो पिट गया ये तो पूछे मत अब इसमें ड्रेक्स ले रहा हो राइजी ड्रेक्स ले रहा यालमिन थो स्पोरियम ड्रेक्स ले रहा या हेलमिथोसपोरियम हेलमिथोस्पोरियम ड्रैक्स लेरा बाइपोलरिस ये सिनोनिम्स है एक तरीके से ठीक है ड्रैक्स लेरा और हेलमिथोस्पोरियम और बाइपोलरिस तो हेलमिथोस्पोरियम ओराइजी किसका होता है ब्राउन स्पॉट का ड्रेक्स लेरा लीप स्पोर्ट ही होती है राइस के अंदर और एफेलिस ओराइजी बिल्कुल भी नहीं है इसका राइजोक्टोनिया सोलिनाई सीथवलाइट का होता है इसका तो है ही नहीं तो बच गया क्या मेग्नोपोर्थी ग्राइसी ये किस क्या दे दिया इसमें पायरिकुलेरिया की जगह क्या दे दिया पैरिकुल की जगह इसकी परफेक्ट स्टेज दे दी परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल स्टेज दे दिया ठीक है ड्रेक्स लेरा नहीं होता ड्रेक्स लेरा नहीं है इसमें क्या आएगा मैग्नोपोर्थी ग्राइसी ब्लास्ट जो पैरिकुल की परफेक्ट स्टेज होती है वो ही है इफेक्टिव फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ठीक है केमिकल से क्वेश्चन आया हुआ है तो इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें देख लो मैंकोजेब फोलियर डिजीज में मेनली लीप स्पॉट, ब्लाइट एंथ्राकनोज। इसमें सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है या मेनेब या मेनेब, ठीक है ट्राइसाइक्लाज़ोल न्यूअर ग्रुप फंजी साइड है फोसीटाइल एल दो टाइप का ये है कि टॉप से डाउन और डाउन से टॉप टॉप से डाउन और डाउन से टॉप मतलब एक्रोपेटल और बेसीपेटल एक्रोपेटल और बेसीपेटल फोसीटाइल एल ऐसा फंजी साइड है जिसको आप फ्लोरल पार्ट पे डालोगे तो रूट में चला जाएगा और रूट पार्ट में डालोगे तो फ्लोरल

सिस्टेमिक डिजीज में किस में सिस्टेमिक डिजीज में जैसे विल्ट जैसे विल्ट डिजीज कंट्रोल के लिए प्लांट वैक्स है रस्ट के लिए काम में लिया जाता है किसके लिए रस्ट के लिए ऑक्सीकार्बोक्सिन बोला जाता है इसको ठीक है अब बता दो आंसर क्या बच गया ट्राईसाइक्लाजोल क्या होगा गया ट्राईसाइक्लाजोल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ट्राईसाइक्लाजोल जो होता है ये पूरा ग्रुप किस डिजीज को कंट्रोल करता है ब्लास्ट डिजीज को कंट्रोल करता है ये किसको करता है ब्लास्ट राइस के अंदर बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है इसको तीन के करैक्टर बता दिए चौथा आप निकाल लोगे खुद ही ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है डिजीज विच इंटरफेयर्स विद द कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, देखो वाटर का जो रिलेशन है प्लांट के किस भाग से रहता है ज़ाइलम से किस से रहता है ज़ाइलम, और ज़ाइलम का ब्लॉक होना या जायम में क्लोगिंग होना ब्लॉकेज और क्लोगिंग होना यह करेक्टर किसका होता है क्लोगिंग का जो करेक्टर होता है ना वो होता है फ्यूजेरियम का किसका होता है किसका होता है फ्यूजेरियम का फ्यूजेरियम जब जाइलम में अटैक करती है तो जाइलम के अंदर ग्रोथ करके फंगस उसके अंदर क्या बना देती है ब्लैक कलर की स्ट्रिप बना देगी क्या बना देगी ब्लैक स्ट्रिप बना देगी काले रंग की पट्टी बना देगी उसके अंदर यानी कि उसमें फंगस की ग्रोथ है और फंगस जब जाइलम को अंदर उसके अंदर माइसीलियम ग्रोथ हो जाएगी तो वाटर और जो जितने भी न्यूट्रिएंट है उसकी सप्लाई बंद हो जाती है उसकी सप्लाई बंद होने की वजह से मतलब वो क्या कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है विद द कंडक्शन ऑफ वाटर वाटर के कंडक्शन को इंटरफेयर कर रहा है तो ये किसका करैक्टर हो गया विल्ट का किसका हो गया विल्ट का अब जब पानी नहीं जाएगा पौधे पे अब मान लो प्लांट है प्लांट के ऊपर पानी नहीं जाएगा तो पहला सिम्टम किस पे दिखेगा लीफ पे किस पे दिखेगा लीफ लीफ की क्या होगी पानी की कमी से लॉस ऑफ टर्जीडिटी क्या होगी लॉस ऑफ टर्जीडिटी लॉस ऑफ टर्जीडिटी की वजह से उसमें मुरझान आ जाएगी ठीक है मुरझान यानी कि उसमें क्या आ जाएगी विदरिंग और विल्टिंग और फिर क्या सिम्टम आएगा येलोविंग फिर क्या हो जाएगा ब्राउन और डेड हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं रोट्स रोट्स का मतलब होता है सॉफ्टनिंग रोट का मतलब होता है सॉफ्टनिंग कोई भी चीज अगर किसी भी पार्ट पे इंफेक्शन होता है तो उसका पार्ट का क्या होगा उसके अंदर रोटिंग होने की वजह से वो पार्ट सॉफ्ट हो जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है तो सॉफ्टनिंग कोई भी पार्ट का होना रोट्स है अगर ये क्वेश्चन इसमें दे, करके देखें तो रूट रोट विल्ट और रूट रोट विल्ट तो ब्लॉक करेगा रूट रोट रूट को रोटिंग कर देगा डैमेज कर देगा रूट होगी नहीं तो पानी वैसे भी नहीं जाएगा तो वो भी कारण हो सकता है कि रूट रोट में भी सिम्टम ऊपर कैसे आ सकता है विल्टिंग जैसे सिम्टम आ सकते हैं रूट रोट में क्योंकि रूट डेमेज हो गई लेकिन रूट हेल्दी है और फिर भी प्लांट में विल्टिंग जैसे सिम्टम आ रहे हैं मतलब ब्लॉकेज ऑफ जाइलम पार्ट हो गया वो कारण होता है विल्ट का लीप स्पॉट है ही नहीं क्योंकि ज़ाइलम और रूट से रिलेटेड कोई पार्ट है ही नहीं लीप स्पॉट में तो और डैम्पिंग ऑफ जो पीथियम करता है ऑफ का मतलब होता है टोपल डाउन ऑफ का मतलब होता है ऑफ मतलब डैम्पिंग तो ऑफ टोपल डाउन देखो टोपल डाउन का मतलब होता है जब प्लांट जमीन के पास वाले हिस्से से कोलर रीजन से वीक होके जमीन के ऊपर गिर जाए इसको बोलते हैं टोपल डाउन उसको क्या बोलते हैं टोपल डाउन ठीक है तो ये इसका करेक्टर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइन फ्लोटेशन मेथड इज फॉलो टू कंट्रोल देखो साल्ट सॉल्यूशन जो होता है किस डिजीज के कंट्रोल में काम में लिया जाता है साल्ट सॉल्यूशन का मतलब हो गया आप, आपको फ्लोटिंग करवानी है तो डेंसिटी बढ़ा दो पानी की नमक का गोल बनाओ लूज मट ऑफ व्हीट नहीं है इसमें करते हैं सोलर एनर्जी और हॉट वाटर सोलर एनर्जी और हॉट वाटर ऑफ ग्रैंडम जो सोरगम होती है सेम ये स्मट का सेम ट्रीटमेंट होता है राइस ब्लास्ट के अंदर ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता बचता है टोंडू टू डिजीज मतलब गाल फॉर्मेशन हो जाती है इसमें ईयर कोकल या बोल दो गाल फॉर्मेशन होती है निमेटोड का अटैक भी रहता है इसमें तो गाल फॉर्मेशन होता है गाल को सीड से अलग करने के लिए क्या करते हैं ट्वेंटी परसेंट सॉल्ट सोल्यूशन लेते कितना 20% साल्ट सॉल्यूशन इसकी कंसेंट्रेशन पूछ लेता है कई बार ठीक है ठीक है टंडू डिजीज का ये हो गया नेक्स्ट देखो परनामा डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय सीधा-सीधा है कोज़ल ऑर्गेनिज्म देखना है रालस्टोनिया सोलेनेसेरम बैक्टीरिया है नहीं होता रोडोफोलस नाम इससे रिलेट ही नहीं है बिल्कुल भी पेंटालोनिया ये बंचिटोप का वेक्टर है तो बच गया क्या फ्यूजेरियम ऑक्सिसपोरम, फ़ॉर्मा स्पेसिल्स क्यूबंस एफ का मतलब फोरमा स्पेसल्स स्पीसीज नहीं होती इसको बोलते हैं फॉर्मा स्पेसल्स मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज का भी सब स्पीसीज होती है इंटरनली सीड सीडबोन बैक्टीरियल डिजीज सॉफ्ट रोट ऑफ कैरेट नहीं है पायर्स डिजीज ऑफ ग्रेप नहीं है सिट्रस कैंकर नहीं है बच गया क्या ब्लैक रोट ऑफ कैबेज इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ब्लैक रोट ऑफ कैबेज सीधा ऐसे ही पूछ ले कि कौन सी डिजीज जो है सीड सीडबोन है तो ब्लैक रोट ऑफ कैबेज कैबेज के अंदर ब्लैक रोट होती है इनिशियल स्टेज में येलोविंग होता है फिर उसके बाद में रोटिंग हो जाती है डिजीज के चैप्टर में पढ़ते हैं ठीक है निपो वायरस आर ट्रांसमिटेड बाई वायरस मतलब निपो वायरस मतलब निमेटोड निमेटोड ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड वायरस वायरस पोलीहेड्रल पार्टिकल होते हैं ठीक है निमेटोड ट्रांसमिटेड पोलीहेड्रल पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं निपो वायरस ठीक है ट्रांसमिटेड बाय नाम देखो निपो निमेटोड से रिलेटेड है निमेटोड देखो क्या है इसमें जिफेनिम है ट्रैकोडोरस है पीथियम, नहीं है, पीथियम मतलब क्या है फंगस ये नहीं है मेलेडोगाइनी निमेटोड है ट्राइकोडोरस निमेटोड है जिफेनिमा निमेटोड है तीनों में से सबसे ज़्यादा जो आता है उसमें नाम आता है जिफेनिमा का जिफेनिमा <coughs> और लोंगीडोरस जिफेनिमा और लोंगीडोरस ये दो स्पीसीज ऐसी होती है जो निपो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं ठीक है ये वायरस की एक कैटेगरी है निमिटोड ट्रांसमिशन के आधार पे इसको क्लासिफाइड करते हैं ना ट्रांसमिशन विटावैक्स मट के लिए होता है बाविस्ट है नहीं पैंतालीस भी नहीं है बस या प्लांट सीधा सीधा क्वेश्चन है, है? प्लांटावैक्स या प्लांट और इसमट के लिए क्स मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस कंटेन देखो वायरस जो होता है ना वायरस के पार्टिकल में एक क्वेश्चन आता है इसमें कि वायरस में क्या पाया जाता है वायरस में डीएनए आरएनए, बोथ इधर डीएनए और आरएनए। तो अगर ऐसे पूछे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो उसमें से ये ऑप्शन करेक्ट माना जाता है या तो उसमें होगा डीएनए या होगा आरएनए। डीएनए भी क्या हो सकता है सिंगल स्टैंड हो सकता है डबल स्टैंड हो सकता है आरएनए भी क्या हो सकता है सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंड इस आधार पर इसको कैटेगराइज कर चार तरीके से ठीक है डीएनए आर में से एक होगा ठीक है अब इसमें एक चीज देखो कि आर एन ए डी एन ए बहुत आर एन ए डी एन ए दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे ठीक है इसका कारण क्या है वो कभी बाद में चर्चा करेंगे वायरस में तो बहुत इसमें नन ये दो ऑप्शन तो गए बच गया क्या डी एन ए और आर एन ए डी एन ए इसके अंदर नहीं पाया जाता मोस्टली जो वायरस प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है आर एन ए एक कोलिमो वायरस है कोलीफ्लोर मोजिक वायरस जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए पाया जाता है द फेमस आयरिशेमाइन ऑफ 1845 वाज कोज ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ किसका आउटब्रेक है ये तो बहुत पॉपुलर डिजीज है जब प्लांट पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन यही है क्योंकि इसी से स्टार्ट हुआ था डाउन मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप नहीं है इसके टाइम में बोर्डो मिक्सर खोजा गया था डाउन मिल्ड्यू में तो स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट नहीं है हेलमेंथोस्पोरियम राइस ब्राउन स्पॉट बंगाल फेमाइन वा था आयरिस में तो नहीं है बच गया क्या लेट ब्लाइट? जानते ही हो सबको पता ही लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो नेक्स्ट देखो सल्फर फाइड आर वेरी इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है हर एग्जाम में आता ही आता है सल्फर के फंजीसाइड होते हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल करते हैं सल्फर के फंजीसाइड पाउडरी मिल्टू कंट्रोल करते हैं कंडीशन एक होती है कि हाई टेम्परेचर पर कभी भी हाई टेम्परेचर पर कभी भी सल्फर के फंजीसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए ठीक है तो ये कंडीशन आती है कुकर बीट्स किस में आती है कुकर बीट्स तो कुकर बीट्स में कभी भी सल्फर फंगीसाइड यूज नहीं करते क्योंकि सल्फर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है और पौधे को जला देता है जहां हाई हाँ टेंपरेचर होता है वहां पे सल्फर यूज नहीं करते इसलिए कुकर बीट के अंदर पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है केराथेन क्या लिया जाता है केराथेन बाकी सब में सल्फर माइट और बाकी पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल में सल्फर काम में ले लेते हैं सोलर ही ट्रीटमेंट ऑफ सीड रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ 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 एडिनी वीट डाउन मिल्डी ऑफ रागी ग्रेन ऑफ सोरगम देखो इसमें ये यही क्वेश्चन पूछा गया है सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि लूजमट ऑफ वीट के लिए सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट काम में लेते हैं ठीक है लूजमट इंटरनली सीड बोन है सीड ट्रीटमेंट ज़्यादा जरूरी होता है सेकेंडरी कंट्रोल काम के नहीं होते इसलिए प्राइमरी करते हैं एंगुलरलीफ स्पोर्ट ऑफ कॉटन इज कोर्ड बाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनीफे

तो डिजीज जो होती है चार तरीके की होती है ठीक है डिजीज को क्लासिफाइड करते हैं चार तरीके की होती है नाम आ गया एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक और स्पोरेडिक एपिडेमिक डिजीज जो होती है वो वाइडली होती है क्या होती है वाइड स्प्रेड होती है वाइडली एंड डिस्ट्रक्टिव होती है और ओकेजनली होती है और क्या होती है ओकेजनली ओकेजनली होती है रेगुलर नहीं होती है. बड़े एरिया को कवर करेगी डैमेज बहुत ज्यादा करेगी एंडेमिक कन्फाइंड एरिया कन्फाइंड एरिया यानी कि लिमिट लिमिटेड एरिया के अंदर होती है रेगुलरली होती है उसको क्या बोलते हैं एंडेमिक पेंडेमिक वर्ड आते ही वर्ल्ड वाइड हो गया जो पूरे विश्व तक हो जाती है वो वर्ल्ड वाइड हो गई स्पोरेडिक इरेगुलर इंटरवल से क्या आती है इरेगुलर इंटरवल से जो बहुत कम आती है इरेगुलर इंटरवल से होती है तो ये क्या होगी स्पोरेडिक तो आंसर में क्या पूछा है कन्फाइंड एरिया यानी कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर है तो एंडेमिक हो गया क्या हो गया एंडेमिक

वायरस नहीं है जाइलम और फ्लोइंग इनिबिटिंग बैक्टीरिया सिट्रस ग्रीनिंग जो होता है ये बैक्टीरिया जो होता है ये फ्लोएम में फीडिंग करते हैं फ्लोएम को खा जाते हैं इसलिए उसका फ्लोएम डैमेज होने की वजह से ही तो उसमें क्या होता है हाफ पोर्शन जो होता है ग्रीन रहता है हाफ पोर्शन येलो हो जाता है जो डैमेज कर दिया वो येलो हो जाएगा तो इसलिए फ्लोएम को इफेक्ट करता है तो फ्लोएम इनहबिटिंग बैक्टीरिया होता है ये विच टाइप ऑफ स्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रामीन इन्फेक्ट द बर्बरी प्लांट देखो पक्सीनिया के अंदर पांच स्पोर बनते हैं पी ए यू टी और बी इसको बोलते हैं पिकनीडियो स्पोर या पिकनिया इसको बोलते हैं एशिया इसको बोलते हैं यूरेडिया इसको बोलते हैं टीलिया इसको बोलते हैं बेसिडिया पिकनीडिया बारबरी पे बनता है बारबरी पर बनता है लेकिन इन्फेक्ट नहीं करता एशिया बारबरी पे बनता है व्हीट को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है एशियो स्पोर यूरिडिया व्हीट पर बनता है रिपीटिंग स्पोर बोलते हैं इसको रिपीटिंग स्पोर टीलिया इसकी परफेक्ट स्टेज होती है बेसिडियो स्पोर जो बनता है फर्स्ट टाइम बारबरी को इन्फेक्ट करता है फर्स्ट इन्फेक्ट बारबरी अब इसमें ऑप्शन देख लो बेसिडियो स्पोर है चार नंबर इसका आंसर डाउनी मिल्ड्यू इंक्लूडेड इन डाउनी मिल्ड्यू का आप पूछा हुआ है कि कौन सी फंगस है डाउनी मिल्ड्यू ये मेरी क्लासिफिकेशन की भी यूट्यूब पर लिखवा रखा मैंने बेसिडियो में मशरूम आती है रस्ट आती है स्मट आती है बंट आती है में म्यूकर आता है राइजोपस आता है ठीक है और हाइपोकाइडिडोमाइसीड्स इसके अंदर नहीं आती जो पैथोजेनिक फंगस होती है वो इसमें कम है बहुत ही तो बच गया क्या ओमाई सीड्स फाल्स फंजाई या शूडो फंजाई जिसको बोलते हैं तो ओमाईसीड्स ऊमाइसीड्स में भी क्या पेरेनोस्पोरेल्स पेरेनो स्पोरेल्स पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर पेरेनोस्पोरेसी पेरेनोस्पोरेसी फैमिली इसके साथ में आ जाता है एल्ब्यूगो जीनेसी एलब्यूगो जीनेसी और एलब्यूगो जीनेसी में जेनेरा आ जाता है एलब्यूगो दोनों का ऑर्डर सेम है पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर से ही बिलोंग करते हैं ओ माई सीट्स इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट मैच करना है देखो अस्टिलागो टिटिसाई अस्टिलागो होर्डी अस्टिलागो कोलेरी अस्टिलागो एवेनी मिला दो इसको आसान है कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है अस्टिलागो टिटिसाई लूज वीट। और डी का नाम आ गया, बारले देख लो ये अब क्या बच गया इसके अंदर देखो एक का दूसरा एक का दूसरा एक ही ऑप्शन है तो ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा बाकी मिला दो एक का दूसरा बी का चौथा हो गया सी का फर्स्ट कोलेरी जो हो गया कवर स्मट ऑफ ओट का हो गया लूज मट एवेन्यू ओट्स का हो गया ठीक है परफेक्ट साइज ऑफ राइस ब्लास्ट वही क्वेश्चन आ गया वापिस मेग्नोपोर्थी ग्राइसी वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रो सीड रेड रोट ऑफ शुगर कैन सी थ्रोट इन राइस पोटैटो मोजेक व्हीट रस्ट देखो मोजेक वायरस जो होता है ना पोटैटो का ये सीड में जाता है सी थ्रोट इन राइस राइस का सी थ्रोट होता है सीड से रिलेटेड है रेड रोट ऑफ शुगर कैन शुगर कैन जो होता है वो सीड में सेट में आता ही आता है रेड रोट तो बच गया क्या रस्ट रस्ट जो होती है एयरबोर्न होती है ये सीड बोर्न नहीं होती रस्ट जो है एयरबोर्न इसमें मैच करना है पेडी पेडी के अंदर डिजीज देखना है बैक्टीरियल ब्लाइट होती है वीट के अंदर डिजीज देखनी है ब्लैक चाफ ठीक है इसके अलावा देखो एप्पल फायर ब्लाइट सबसे ज्यादा जानी जाती है एर्विनिया माइलोवेरा चिकपी के अंदर इसको काइटाबलाइट होती है अब वीट का बच गया ब्लैक स्टाफ तो ये मैच कर लो ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा-सीधा ये मैच करने वाला ठीक है एक का चौथा ए का दूसरा बी का तीसरा सी का चौथा डी का पहला आइडेंटिफाई द फंगीसाइड अमंग द ऑप्शन दैट इज नोन सिस्टमिक इन नेचर बीटावेक्स अभी बताया था फर्स्ट सिस्टमिक फंगीसाइड है बैनलेट बिनोमिल सिस्टमिक नेचर का है टॉपसिन सिस्टमिक नेचर का है बच गया क्या थायरम थायरम नॉन सिस्टमिक है सल्फर ग्रुप का है सी ट्रीटमेंट में काम में लिया है थायरम व्हाट इज द कोजल एजेंट ऑफ पनामा विल्ट दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन फिजेरिमोक्सिस फॉर्म फॉर्मोस्पेसिल्स क्यूबेंस एल्बिगो कैंडिडा द द पैथोजन फॉर कोजिंग वाइट रस्ट ऑफ इज क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ पैरासाइट ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है एल्बुगो कैंडिडा जो होती है डाउनी मिल्ड्यू एल्बुगो कैंडिडा पीथियम और ये जो होते हैं ना पीथियम को छोड़ दो डाउनी मिल्ड्यू और एल्बुगो कैंडिडा है ये आती है ओब्लीगेट पैरासाइट ओब्लीगेट पैरासाइट ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिविंग सेल पे ही रहते हैं लिविंग सेल पे सर्वाइव करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव नहीं कर सकते इसलिए इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। बाजरा बहुत अच्छा है एग्जाम मिलता मिलता तो तो, आपको पता ही होगा प्लांट पैथोलॉजी कैसे मेहता सीरियल रस साइकिल दिया था रॉबर्ट कोच कोच पोस्टुलेट दिया था बीबी -बी मुनकर नहीं अभी भी मुंडकर इंडियन साइंटिस्ट जो है ई जे बटलर ई जे बटलर का नाम आता है राजस्थान रॉयल वाला वो याद कर लो मैसे देखते हो तो और आसान हो जाएगा ई जे बटलर इज ए फादर नाउन एज़ फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी साउथ इंडिया में रहे थे वहाँ काम किया था बाजरे पे भी काम किया था इन्होंने तो इनका नाम वहीं से पड़ा ठीक है अंग्रेजों के टाइम के है तो बाहर के लोग थे तो इनका नाम पड़ गया ठीक है फॉलोइंग रिप्रेजेंट दंगस का, क्या होता है? का देखो, conidia, zoospore, नाम आता है एक्जोजीनस डेवलपमेंट होता है किसी भी सेल के ऊपर एक ऐसे सेल का डिडेशन होकर बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं वो कॉनिडिया ए सेक्सुअल फॉरम होती है जू स्पोर मतलब मोटाइल स्पोर होते हैं जिनमें फ्लेजिला पाई जाती है फ्लेजिला पाई जाती है इसलिए जूसपोर कहलाते हैं होते क्या है एसेक्सुअल होते हैं स्पोरेंजियो है। स्पोर्स इनको स्पोर बोलते हैं जिनके अंदर फ्लेजिला नहीं होती लेकिन स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स ये भी नहीं है बच गया क्या जाइगोस्पोर जाइगोस्पोर जो होता है क्लास जाइगोमाइसीड्स क्लास जाइगोमाइसीड्स का सेक्सुअल स्पोर है तो ये इसका आंसर हो गया व्हाट इज द कोजल एजेंट ऑफ डिजीज इन पीजन पी कैजनस केजन आप देख लो सीधा फाइट ऑफो लेट ऑफ़ पटार्थो का है अल्टरनेरिया सोलेनाई है अल्टरनेरिया सोलेनाई बच गया क्या फ्यूजेरियम विल्ट का नाम आते है आपका आंसर होना चाहिए फ्यूजेरियम रेफर इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकोलॉजी का क्या है कार लिनियस नी है द्वी नाम पत्ती का है एंटोन वन ल्यू एन होक फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी इज ए बटलर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया बच गया क्या पी ए माइकेली माइकेली से बन गया माइकोलॉजी माइकोलॉजी का फादर हो गया पी ए ए पी नहीं है पी ए माइकोलॉजी प्रिंटिंग मिस्टेक है ये पी ए माइकेली टर्म फॉर दिल्ली माइक्रोराइजल जंक्शन क्लाम कनेक्शन फ्यूजन कंजुगेशन कंजुगेशन बैक्टीरिया का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड है ये क्या है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड है

वैसे डियोमाईसीट्स का करैक्टर होता है जो इसके डाइकाइरियोटिक माइसीलियम को मेंटेन रखता है इसलिए फंगस क्या बनाती है क्लेम्प कनेक्शन इसमट में बनता है और मशरूम में बनता है व्हिच फंगल स्पीशीज रिप्रेजेंट द सेक्सुअल परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलेटो ट्राइकम फाल्गेटम फ्यूजेरियम ऑक्सिसफोरम वैसे ही है सेक्सुअल है ये तो सेक्सुअल है ही नहीं बोटराइटिस्ट बोटराइटिस जो है ये भी एसेक्सुअल फंगस है अल्टरनेरिया एसेक्सुअल है तीनों ही एसेक्सुअल है तो पीछे क्या बच गया ग्लोमेरेला टूकोमेनेंसिस ग्लोमेरेला टूकोमेनेंसिस ये इसका आंसर हो गया एग्जाम में आता है ये कोलेट्रोट्राइकम एंथ्राकनोस की फंगस होती है इसकी परफेक्ट स्टेज पूछी जाती है व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑरिजन ऑफ द स्मट डिजीज इन परमिलेट देखो परमिलेट की स्मट जो होती है जो सीड से नहीं फैलती किससे फैलती है वो सोइल से फैलती है बाकी लगभग जो होती है वो किससे फैलती है सीड से ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सोइल ये ध्यान रखना बस इसका विच डिजीज इज एट्रीब्यूट एट्रीब्यूटेड टू लेप्टोस्पेरिया इन शुगर कैन लेप्टोस्पेरिया स्मर्ट जो होता है से होता है, रेड रोड को से होता है, है पक्सिनिया से होता है पीछे क्या बच गया रिंग स्पोट तो आंसर क्या हो जाएगा रिंग स्पोर्ट कोजल ऑर्गेनिजम है इसमें समझने वाली चीज कुछ है नहीं शूडोमाइसिलियम इज फॉर्म इन सिंकाइट्रियम कैटीडोमाइकोटा की फंगस है सिंका जो है फंगस का क्लासिफिकेशन का वीडियो पड़ा है उसमें देखो वो तो तो समझ आ जा जाएगा कर्टिडोमायकोटा ट्रू फंजाई है ट्रू फंजाई है तो पूरा माइसीलियम बनेगा फुल माइसीलियम बनेगा तो इसमें तो बनता नहीं है हटा दो राइजोक्टोनिया बहुत अच्छा माइसीलियम बनता है स्वेल माइसीलियम होता है माइसीलियम में भी क्या होता है स्वेलिंग होती है या मोटा होता है थिक थिक होता है ठीक है थ्रेड से भी मोटा दिखता है बच गए क्या पीथियम और यीस्ट पीथियम जो होती है इसमें माइसीलियम बनता है सीनोसाइटिक होता है एसेप्टेड माइसीलियम होता है अब बच गया ईस्ट ईस्ट क्या होती है सिंगल सेल क्या होती है ईस्ट किसको बोला जाता है जो फंगस एक कोशिका से बनी होती है सिंगल सेल फंजाई इज नाउन एज ईस्ट और ईस्ट में एक ही तो कोशिका है एक कोशिका जब जर्मिनेट होगी क्या वो माइसीलियम बनाएगी क्या कुछ और बनाएगी तो इसका माइसीलियम तो बनता नहीं है ये थोड़ी सी बडिंग करता है ना उस टाइम एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकलती है जो डिटैच होकर होके फिर नई सेल बना देती है तो उस छोटी सी आउट ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं शूडो माइसीलियम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ईस्ट ठीक है वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई आपको पसंद आए तो और पसंद नहीं आए तो फिर आप सिर्फ देख लेते देख लेना बस लाइक तो आपकी इच्छा है फिर करो या नहीं करो ठीक है अगर आपको बेनिफिट हो रहा है कुछ चीजें समझने को मिल रही अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना राइजोक्टोनिया सोलेनाई ए रूट रॉट कॉजिंग पैथोजन कम्स अंडर ऑर्डर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है अब इसमें देखो इसका मैं नाम भी लिखवाता हूँ कई बार क्लास लेता हूँ उस टाइम राइजोक्टोनिया का नाम भी लिखवा देता हूँ मैं मोनीलिया फ्यूजेरियम का है ठीक है ऑफ सीडेल्स ये नहीं है इसका तो बिल्कुल भी नहीं है मेलानोकोनीलियल्स ये भी नहीं है ये कोलेटोट्राइकम और इनमें आ जाता है ठीक है तो पीछे क्या बच जाता है कि राइजोक्टोनिया एसेक्सुअल फंगस है राइजोक्टोनिया एक एसेक्सुअल फंजाई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइसीलियम ही काम करता है और माइसीलियम से सीधा क्या बना देती है ये बना देती है क्या बना देती है बनाती है माइसीलिया ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है है याद कर लेना इसको यही कभी एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को ग्राउंड बड नेक्रोसिस वायरस ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स इसका तो पता ही है वेक्टर का कोई दिक्कत है नहीं बस लास्ट क्वेश्चन था ग्राउंड नट बर्ड नेक्रोसिस वायरस थ्रिप्स से ठीक है तो मेरे ख्याल से 40-50 क्वेश्चन होंगे आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो सेशन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए हो सकता है आपके आगे एग्जाम में फायदेमंद हो जाए कोई एक दो क्वेश्चन आ जाए मिलते हैं कभी नए सेशन के साथ में पैथोलॉजी के नए क्वेश्चन लेके या नए टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू